और जो अगली एजुकेशन दी जाती थी वो पृथ्वी विद्या यानी एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी दी जाती थी और स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था, यानी इसमें कृषि से रिलेटेड यानी किस मौसम में कौन से फसल को उगाना चाहिए ये सारी जानकारी और एजुकेशन दी जाती थी। इसी के साथ साथ एनवायरनमेंट को कैसे सही रखना है यानी वृक्षारोपण करने की जानकारी और जो हमारे पृथ्वी पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है, इन सब की जानकारी उस ज़माने में स्टूडेंट्स को दी जाती थी यानी एजुकेट किया जाता था। इसी के साथ साथ अंतरिक्ष विद्या यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी दी जाती थी। जी हाँ, उनको बताया जाता था किस तरीके से हमारे जो ग्रह हैं उनके नक्षत्रों की जानकारी दी जाती थी यानी उनके प्रभाव हमारे मनुष्य के जीवन में कैसे पड़ते हैं वो जानकारी दी जाती थी। यानी जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो आपके शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके जो सबसे बेहतर उदाहरण हैं वो हैं आर्यभट्ट जी। जी हाँ, आर्यभट्ट जी एक मैथमेटिशियन के साथ साथ एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी रहे हैं, जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी गोल क्यों थी, वो अपने धुरी पर कितना घूमती है और आखिर एक साल में 365 दिन कैसे होते हैं, ये जानकारी उन्होंने ही दी थी और वो एक गुरुकुल विद्यालय से पढ़े हुए विद्यार्थी थे। इसी तरीके से उस ज़माने में आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी यानी कहें तो एक तरीके से यानी मेडिकल की जानकारी उस ज़माने में स्टूडेंट्स को दी जाती थी कि किस तरीके से आप एक अच्छे उन्नत आयुर्वेदाचार्य बन सकते हैं आज के ज़माने के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ऋषि सुश्रुत जी रहे हैं जिनका नाम भारत के प्राचीन सर्जन के नाम पे लिया जाता है। वो एक तरीके से भारत के एक महान सर्जन थे यानी प्लास्टिक सर्जरी के वो एक तरीके से जनक माने जाते हैं और इस सब के प्रमाण उनके लिखे गए पुस्तक सुश्रुत संहिता में मिलता है। और अगर उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं उनके बारे में। यानी आप सोच सकते हैं उस ज़माने में एजुकेशन यानी मेडिकल की शिक्षा हर एक स्टूडेंट्स को दी जाती थी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी। आज के ज़माने की तरह नहीं कि मेडिकल की शिक्षा आप सभी को पता है कितने महंगे दरों पे दी जाती है। इसी तरीके से अब हम आपको बताते हैं कि गुरुकुल की कुछ मेन शिक्षाएं दी जाती थी स्टूडेंट्स को, जिसको वो ग्रहण करके वो एक तरीके से रोजगार के अवसर खुद ही उत्पन्न करते थे यानी वो आत्मनिर्भर रहा करते थे। जैसे उस ज़माने में रत्नाकर यानी जेम्स की एजुकेशन दी जाती थी यानी जितने भी रत्न होते हैं जैसे मोती हीरा पन्ना इन सब की जानकारी दी जाती थी कि इनकी उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं, इनका इनकी डिज़ाइनिंग कैसे करें और इनको किस जगह पे किस स्थान पे कैसे बेचें, ये सारी जानकारी इनको प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू दी जाती थी। और इसी तरीके से ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की भी एजुकेशन दी जाती थी और टेक्सटाइल यानी वस्त्रों के बारे में जानकारी दी जाती थी कि किस तरीके से आप कृषि के थ्रू कपास उगाएं और उससे बनने वाले धागे से आप किस तरीके से एक बेहतर उच्च क्वालिटी के वस्त्र बना सकते हैं और उसको बेच सकते हैं मार्केट में और उसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से सबसे मेन जो शिक्षा दी जाती थी वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि प्राचीन भारत की जो आर्किटेक्ट यानी जो भवन निर्माण की डिज़ाइनिंग है वो कितनी उन्नत और कितनी अच्छी है, जो कि आज के आर्किटेक्ट या कहें इंजीनियर्स की आप लगा सकते हैं कैसे आज के समय में डिज़ाइनिंग होती है और उस ज़माने की कलाकृतियाँ या भवन कितने अच्छे से डिज़ाइन करा करते थे। वो हर एक साइंस का फॉलो करा करते थे यानी एजुकेशन भी उस ज़माने की गुरुकुल ज़माने की एजुकेशन पॉलिसी भी किसी साइंस बेस्ड से कम नहीं थी। यानी हमारा जो गुरुकुल था कहने को प्राचीन था लेकिन उसमें एजुकेशन की जो क्वालिटी थी वो आज से भी कई गुना बेहतर थी। और एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हुआ करता था कि हर कोई उस एजुकेशन सिस्टम को रिस्पेक्ट दिया करता था। यानी जो प्राचीन भारत का एजुकेशन सिस्टम था उसने तक्षशिला दिया, उसने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विद्यालय दिए जिसमें विदेशी यानी फॉरनर पढ़ने आया करते थे। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भारत गुलाम था तब हमारे पास 37,500 से भी ज़्यादा गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद से लेके अब तक इसकी संख्या 100 से 500 के बीच में ही रह गई है या इससे भी कम। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गुरुकुल एजुकेशन को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है और अगर आप इस गुरुकुल में पढ़ के आते हैं तो आपको नौकरी लेने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा या आपकी नौकरी नहीं भी लगेगी।
लेकिन वहीं आप अगर वेस्टर्न यानी जो हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है इससे आप पढ़ते हैं तो आपकी नौकरी तो लग ही जाएगी, लेकिन आजकल इससे भी लगने काफ़ी मुश्किल हो गई है। अब हम उस आखिरी सवाल का आपको जवाब देंगे कि आखिर भारत में एजुकेशन सिस्टम ख़त्म कैसे हुआ या इसको कैसे ख़त्म किया गया। तो अब आप इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के अनुसार हमारे प्राचीन एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया गया। देखिए, समय था 2 फरवरी 1835 और ब्रिटेन की संसद में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले भारत के बारे में अपने विचार या कहीं योजना संसद में बता रहे थे। उन्होंने कहा, मैं भारत में काफ़ी घूमा, दाएं बाएं इधर उधर, मैंने ये देश छान मारा और मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो भिखारी हो, जो चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है और इतने ऊंचे चरित्र आदर्श और इतने गुणवान मनुष्य को देखा है कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे, और इसीलिए मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि हम इसकी पुरानी और पुरातन शिक्षा व्यवस्था, उसकी संस्कृति को बदल डालें। क्योंकि अगर भारतीय सोचने लग जाए कि जो भी विदेशी और अंग्रेजी हैं वो अच्छा और उनकी अपनी चीज़ें बेहतर हैं, तो वे अपने आत्मगौरव, आत्मसम्मान और अपनी ही संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, जैसा एक पूर्ण रूप से गुलाम भारत। यानी इस स्टेटमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि मैकॉले जो था वो जब भारत आया था तो उसने ये समझ लिया था कि यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी है, तो अगर हम इस एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरीके से तो भारत को हम आसानी से गुलाम बना सकते हैं। उसने ऐसा ही किया, उसने भारत की जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने द्वारा बनाई गई जो वेस्टर्न कल्चर की एजुकेशन सिस्टम था उसको यहाँ पे धीरे धीरे अप्लाई करने लगा, जिससे कि हम अंग्रेज़ों की तरह सोचने लगे, पहनने लगे और अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलने लगे। उससे हुआ ये कि हमारा देश करीबन 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। दूसरा हुआ ये कि आज भी हम विकासशील देश बन के रह गए हैं, यानी एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में देखे जाते हैं। सोचिए, जो उस समय की एजुकेशन पॉलिसी थी वो फ्री हुआ करती थी, लेकिन आज की एजुकेशन पॉलिसी फ्री तो छोड़िए, पैसे दे के भी पूरी नहीं हो पाती है। तो खैर, ये तो रहा हमारे प्राचीन भारत की एजुकेशन सिस्टम की जानकारी, यानी गुरुकुल की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमेशा आप मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।